में, जिसमें हम आपको बताएंगे लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि हम जिस चीज से गुजरे हैं हम शायद जानते हैं, चाहते हैं कि आप लोग भी उस चीज को देखें समझें करो, ठीक है। क्योंकि तो जितना ज्यादा रिसोर्स इस्तेमाल करोगे उतना ही ज्यादा आपका दिमाग भटकेगा, फिर लगेगा कि शायद हाँ ये बुक ज्यादा अच्छा कह रही है, ये बुक ज्यादा अच्छा कह रही है। तो दी है हमारे जो बोर्ड्स, 10th का बोर्ड आ रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमें टिप्स अगर अगर मिलते रहे तो हम लोग बहुत अच्छा अपने बोर्ड्स में कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल मैजेस्टिक मानस, एंड टुडे आई एम इनवाइटेड इन अनस्टॉपेबल एकेडमिक क्लासेस टू मोटिवेट एंड टू टीच द चिल्ड्रंस हाउ टू राइट द बोर्ड एग्जाम कॉपी। सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू गो देयर एंड टू इंटरेक्ट विद द चिल्ड्रंस। लेट स्टार्ट द जर्नी। So guys, the address of this coaching is near V-Mart, Vedic Bal Vidya Mandir, and the name of coaching is Unstoppable Academy Classes. You can search on the Google also. हेलो बच्चों, हेलो गाइस बोलते हैं हम लोग, बच्चों वाले नहीं। अभी आप सभी का बहुत सारा स्वागत है हमारे इस बैच में, जिसमें हम आपको बताएंगे लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि हम जिस चीज से गुजरे हैं हम शायद जानते हैं, चाहते हैं कि आप लोग भी उस चीज को देखें समझें, और अभी आप लोग भी अगले साल शायद यहाँ बताने के लिए आएंगे। तो शुरू करते हैं आज की जो लास्ट मिनट टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि सर ने बताया आप लोगों को कि सिंगल रिसोर्स इस्तेमाल करो, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा रिसोर्स इस्तेमाल करोगे उतना ही ज्यादा आपका दिमाग भटकेगा, फिर लगेगा कि शायद हाँ ये बुक ज्यादा अच्छा कह रही है, ये बुक ज्यादा अच्छा कह रही है, तो उतना क्लियरली आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो ये तो था आपका यहाँ का सिस्टम, और बाकी स्कूल कॉलेजेस देखिए सब इक्वली पढ़ाते हैं, पढ़ना आपको होता है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप कहोगे स्कूल बेकार है, मुझे अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। वही चीज़ अगर आप पढ़ के जाओगे तो कहोगे हाँ टीचर ने जो पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आया। अब हम बात करते हैं जो आपकी CBSE की कॉपी होती है उसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा जरूरत है कि भाई हम कितना अच्छा आंसर प्रेजेंटेशन दें, इंपॉर्टेंट देन राइटिंग, ये होता है आपके पास। तो प्रेजेंटेशन से मतलब होता है कि आपकी कॉपी कितनी गुड लुकिंग है, ठीक है। ये अब जैसे आपने आंसर तो बहुत अच्छा लिखा, मान लिया जैसे आपने 5 नंबर का आंसर पूरा लर्न किया, उसको 2-3 दिन लगाए और पेपर में लिखा, लेकिन पेपर में ये कहते हैं कि आपने जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, वो आंसर क्लियरली उसमें लिख तो दिया है लेकिन इतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं उस आंसर का, ठीक है। ना मार्जिन लाइन है, ना फिगर है, ना कॉन्सेप्ट उसमें लिखे हैं, ना पॉइंट लिखे हैं, ना एग्जाम्पल्स लिखा है। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर जब उस चीज को चेक करेगा तो वो होगा इरिटेट, वो समझेगा कि ये मुझे टहला रहा है बच्चा, भले ही आपने लिखा जितना अच्छा हो। तो क्या करेगा, 5 में 4.5 4 नंबर दे देगा। अब एक एक नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज में, तो यानी प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जैसे आप कॉपी बनाइए, मार्जिन खींचिए, सबसे पहला काम होता है मार्जिन खींचिए, हर लाइन आंसर को अंडरलाइन करिए, एग्जाम्पल्स दिखाइए, और स्केच 2 हो 3 हो रंगीला स्केच इस्तेमाल करिए कि जितना ज्यादा अट्रैक्टिव हो आपकी कॉपी, क्योंकि अट्रैक्शन के नंबर सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आपकी कॉपी अट्रैक्टिव हो, आंसर भले ही आपने थोड़ा बहुत गलत लिखा हो, तो आपको 4 में से 3 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे, और ये होता है। कोई भी बोर्ड नहीं चाहता कि उसका रिजल्ट इतना खराब जाए कि बोर्ड की बेइज्जती हो, फिर उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, और अंदर की बात यह है कि आप लोग का नंबर अच्छे खासे मिलेंगे। ये केवल फियर होता है, और नंबर इसीलिए मिलेंगे क्योंकि टीचर देखता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, और नहीं नोट करना है तो रिकॉर्डिंग और लाइव आपका उपलब्ध है। फॉर्मूलाज के बारे में टिप, अब आते हैं हम लोग, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि फिगर रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हमारा बायोलॉजी हो गया 10th में, ठीक है, 12th में चले जाओ तो केमिस्ट्री है, फिजिक्स, हर चीज में फिगर तो मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि जैसे आप लोग किसी क्वेश्चन की थ्योरी नहीं रट पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि थ्योरी कभी कभी होता है कि माइंड से स्लिप हो रही है, तो आप उसका फिगर बहुत अच्छे से रट लो, क्योंकि फिगर जो होता है ना, फिगर एक्सप्रेस कर सकता है ज्यादा आपकी थ्योरी के। उस पर आपने आंसर ऊपर जैसे थोड़ी कहानी लिख दी, नहीं समझ में आया थोड़ा कहानी लिख दिया, नीचे फिगर आपने एकदम करेक्ट बनाया, तो एग्जामिनर ऊपर की थ्योरी देखेगा, फिगर देखेगा, हाँ इसको फिगर आता है तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, तो यानी आपको उस बेसिस पे नंबर वो दे देगा। तो एक तो ये होता है फिगर, और जैसे फिगर के नंबर सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमें याद है हमने SST में क्लास 10th में बनाए थे बहुत सारे फिगर, तो हमको उसका बेनिफिट मिला था, तभी 96 मार्क्स आए थे। पहले तो लग रहा था कि शायद 80 पे लटक जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट देखा तो 96 मार्क्स देख के बहुत खुश हुए थे। तो फिगर था, हमारे आर के सर ने हम लोग को ये टिप दी थी कि फिगर बनाया करो, फिगर जितना बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। बायोलॉजी में तो फिगर ही फिगर है, उसके अलावा SST में भी है, ठीक है, फिजिक्स में, हर चीज में फिगर है, फिगर बनाओ। तो ये बताओ भाई यहाँ पे किसकी मैथ्स और फिजिक्स कमजोर है, किसको किसको डर लगता है मैथ और फिजिक्स से? अच्छा, तो देखो तुम लोग के लिए एक टिप है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, जिसकी मैथ और फिजिक्स कमजोर है, जिस पर ना सर मैथ और जैसे कभी कभी न्यूमेरिकल आता है, आते हुए फॉर्मूला से भी भूल जाते हैं, वो बायो पे फोकस करना,
बायो जो होता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, फिगरेटिकल सब्जेक्ट है, समझे? तो उसका फिगर और थ्योरी अगर तुम तैयार कर लोगे तो शायद तुम्हारे प्रीवियस के मार्क्स को कवर कर ले जाए, ठीक है? बहुत परसेंटेज नीचे नहीं गिराएगी, तो ये तुम लोग के लिए कि तुम लोग थ्योरी ज्यादा रट लो। और जैसे अगर तुम लोग न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा डर रहे हो, बहुत फियर है, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों की थ्योरी उठाओ, लाइन से थ्योरी 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 पूरा तैयार कर लो, सबसे लास्ट में जाओ तुम न्यूमेरिकल के पोर्शन पे, ठीक है? तो इससे क्या रहेगा कि तुम लोग का थ्योरी तो तैयार हो गया, अब लास्ट मिनट की चीजें ही स्लिप होती है माइंड से, तो लास्ट मिनट अगर तुमने तैयार किया वो स्लिप भी हो गया तो कोई इतना तुम्हारा बड़ा हार्म नहीं होगा, क्योंकि तुमने काफी ज्यादा नंबर की चीजें स्कोर करके रखी हुई थी, ठीक है? ये सर का था। और अब मेरी देखो टिप ये है कि जैसे तुम लोग कॉपी लिखना शुरू करते हो, ठीक है, पेपर आया मान लो सपोज दैट तुम्हारे 27 क्वेश्चन है पेपर में, 27 तुमने पढ़ा तो तुमको 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आ रहे हैं, ठीक है? फिर तुम्हारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन है तुमको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, फिर 1 नंबर वाले तुमको आ रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूज हो कि यार लिखे कैसे कॉपी, ठीक है? तो उसका सबसे आसान तरीका जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आ रहा हो उसको फर्स्टली अटेम्प्ट करो। इसका रीजन ये होता है कि एग्जामिनर कॉपी खोला, ठीक है, उसमें सबसे पहले आपने सबसे अच्छा तरीके से आंसर को प्रेजेंटेशन दिया, आपको अच्छा आता तो जाहिर सी बात प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, तो एग्जामिनर उसको पढ़ेगा, उसको उसका दिल खुश होगा, इरिटेट नहीं होगा। फिर उससे जो लेस मतलब सबसे जो अच्छा आता है उसको लिखो, इस तरह से करते करते उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है? जो सबसे अच्छा उससे ऊपर, उससे खराब उससे नीचे, और जो सबसे खराब पोर्शन हो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, जो भी हो उसको सबसे लास्ट में लिखो। इससे ये होगा कि एग्जामिनर शुरुआत से इरिटेट नहीं होगा, तो लास्ट में जाते जाते वो इतना मूड बनाए लेते हैं कि सर को अच्छे से अच्छे नंबर दे ही दो किसी तरह से, ठीक है? तो ये एक टिप होती है कि कॉपी कैसे लिखी जाए, और मार्जिन लाइन और ये सब वगैरह वगैरह स्केच का इस्तेमाल करना शुरू करो, क्योंकि लड़कियां तो इस सब में आगे रहती है, लड़के ही जो है कंफ्यूज ही करते हैं कि एक ही पेन उठा लिया डॉट वाला उसे से पूरी कॉपी लिख डाली शुरुआत से आगे तक। अब एग्जामिनर ढूंढ रहा है भैया इसमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कोई अंतर समझ में आ रहा है तो लाओ चेक कर, नहीं तो हटाओ। इसलिए लड़कों के लिए खास कर ये होती है, क्योंकि लड़कों के मार्क्स ऐसे ही ज्यादा डिक्रीज होते हैं। हम लोगों ने पूरा हम लोग पाउच बनाए हुए थे, उसमें स्केच कलर रखते थे और कुछ पेंसिल कलर और साथ में ये सब रखते थे, सब हंसी उड़ाते देखो भैया पूरा बैग ही उठा के लेके चले आए, लेकिन उसके बाद बेनिफिट पता चला, वही लोग यार कितना फिगर बना लिया था, हमने कहा वो स्केच था, हम लोगों ने उसको इतना लेबल कर दिया था हर पार्ट को कि एग्जामिनर जैसे ही देखे उसको समझ में आएगा कि हाँ भैया इसका फिगर बहुत अच्छा है। यही टिप होती है जो कि लड़कियां बहुत अच्छे सब पढ़ लेती है, क्योंकि लड़कियों की आर्ट बहुत अच्छी होती है, तो लड़के भी अपनाएं। और बाकी आपका ये पैराग्राफ वाला जो हमने बताया कैसे लिखा जाता है ये करके ये रहता है, ठीक है? हाँ अब हाँ इसमें ये बताओ कंप्यूटर साइंस वाला कोई स्टूडेंट है? कंप्यूटर साइंस 10th और 12th में कोई है जो कंप्यूटर लिए हुए है? 10th में आईटी लिए किसी ने? आईटी कंप्यूटर मतलब कोई भी, हाँ कुछ इतने लोगों। तो देखो अब तुम लोग का बताते हैं टिप, क्योंकि मैं बाबू बनारसी दास से बीसीए कर रहा हूँ डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो आप लोग को बता दें कि उसमें क्या करना। कंप्यूटर साइंस का एक चैनल रिकमेंड अभी आपको करूंगा वीडियो बंद होने के बाद, वो चैनल ने काफी अच्छे तरीके से डाउट्स क्लियर करे, तो आप लोग वहां जाकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और सुमिता अरोड़ा किसी का चलती है? पाइथन, पाइथन है और किसी का पाइथन इधर नहीं है, तो पाइथन वाले जो है वो भी उसी चैनल से पढ़ सकते हैं। देखो पाइथन में ये रहेगा कि आप लोग जो बेसिक बेसिक डेफिनेशन उनको तैयार कर लो, प्रोग्रामिंग थोड़ी सी तैयार करने में टाइम लगता है तो प्रोग्रामिंग को इतना फोकस भी मत करना, थोड़ा जो लेंथी चैप्टर्स हो उनको तैयार करो, ठीक है? क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए क्या होगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है? तो ये होना चाहिए। और एसएसटी वाले जो भी पियर वाले हैं 10th के एसएसटी जिसको खराब लगती है उनके लिए देखो, मेरे एसएसटी में 96 मार्क्स आया था, वो कैसा आया था बताने जा रहे हैं। जैसे हमारे एसएसटी में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी फिजिक्स हिस्ट्री 4 सब्जेक्ट होते हैं ना, किसी का ज्यादा कम तो नहीं। तो देखो उसमें ये हुआ था कि हमारे सर ने बता दिया कि जैसे तुम कोई भी आंसर लिखो उसको पॉइंट में लिखो, ठीक है? आंसर पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स लिखना ज्यादा अच्छा होता है। उसके लिए ये होता है कि देखो पॉइंट्स में पैराग्राफ में जैसे सपोज तुमने कोई आंसर लिखा बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, अब टीचर क्या करेगा, आपने जैसे मेन पॉइंट जो था मेन आंसर जो था वो आपने बीच में डाल दिया और ऊपर नीचे आपने कहानी लिखी है कुछ भी, जैसे वी नो दैट दिस इज दिस इज दिस इज, तो इसमें क्या होगा एग्जामिनर समझेगा कि ये टहला रहा है, वो क्या करेगा आधा अधूरा पड़ेगा, थोड़ा बहुत देखेगा हाँ एक दो मेन लाइन है तो आधा 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 नंबर भी काटेगा, लेकिन वो भी आपके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा आधा आधा नंबर काटने पे। तो ये रहेगा, तो उसमें आप लोग क्या करो पॉइंट्स लिखो, क्योंकि पॉइंट्स होते हैं सेपरेट, तो एग्जाम समझेगा हाँ एक पॉइंट पूरा दो पॉइंट पूरा, तो उसमें से वो काफी अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा, इसलिए प्रेजेंटेशन में भी आप लोग के काम आएगा। तो पॉइंट्स में आंसर लिखो पैराग्राफ की जगह, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे कि अब हिस्ट्री बहुत टफ होती है तैयार करना, तो हिस्ट्री में मैथ्स तैयार कर लो, मैथ्स थोड़ा प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट रहता है, चीज रहती है उसको तैयार कर लो, और हिस्ट्री में भी सब चीज पॉइंट्स लिखना कोशिश करो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एसएसटी की टिप थी कि हर चीज को पॉइंट में डिक्लेयर करो कि हाँ ये ऐसा था ये ऐसा था, तो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। और मेरा विश्वास रखो कि ये अगर टिप आप फॉलो करोगे, ठीक है, कॉपी प्रेजेंटेशन कैसे याद करना, तो आप लोग के डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। ये इतना हम लोग की तरफ से है, और बाकी सर के चैनल पे
तो गाइस हमारे सामने बैठे हुए हैं वो बच्चे जिन्हें हम मोटिवेट करने के लिए आए हुए थे। इधर से देख लीजिए, यहाँ से लेकर वहां तक। और आप लोग बताइए कि कैसा लगा आपको हमारा यहाँ आना, और ये जो हमने आपको टिप्स दी, क्या ये रियली रियली आपके लिए वर्क रहे कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? पहले गर्ल्स आप लोग बताइए, हेल्पफुल हैं? ओके, थैंक यू। और बॉयज आप लोग भी अपना कुछ रिव्यू दे दीजिए, कैसा लगा ये, जो खासकर जिनके लिए मैथ बहुत डर थी, फिजिक्स बहुत डर था, वो लोग बता दीजिए। क्लियर हैं डाउट्स? और जो भी बताया है उसको ध्यान रखना सभी लोग, जिससे आप सबका उद्धार हो जाए और आप लोग भी अगले साल आके यहाँ पे हम लोग की तरह टिप्स दो अपने जूनियर्स को। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को अभी से, कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देना, बहुत अच्छा बोर्ड की कॉपी लिखना और अपने घर वालों अपने माँ बाप का नाम खूब रोशन करना, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग आए हुए थे और आपको बताने जा रहे हैं इस कोचिंग का रिव्यू, कोचिंग कैसी है, और वो हम नहीं देंगे, वो बच्चे देंगे। तो यहाँ के बच्चों से मिलवाते हैं और कोचिंग कैसी है बच्चों से पूछते हैं। तो बच्चे बताइए सभी लोग। हेलो, मेरा नाम माही पांडे है, यहाँ पे पढ़ते हुए मुझे एक साल से अप्रोक्स हो गया है। ओके माही, तो लेट मी नो आपको ये कोचिंग लगती कैसे, यहाँ के आपको कैसा एनवायरमेंट है, बताइए हमें। यहाँ का पहली बात तो एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, ऐसा तो लगता ही नहीं है कि मतलब एक टीचर, मतलब जो भैया यहाँ के, मतलब जो पढ़ाते हैं वो इतना फ्रेंडली होकर पढ़ाते हैं कि हम लोग को कोई डाउट रह ही नहीं जाता। अगर डाउट रहता भी है तो हम लोग बहुत आराम से उनसे फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हैं। हेलो, मेरा नाम निहारिका है, मुझे भी यहाँ पर पढ़ते हुए अप्रॉक्स 1 ईयर्स हो रहे हैं। ओके निहारिका, तो आप बताइए कि आपका टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है जो आपको समझ नहीं आता? मुझे ज़्यादातर प्रॉब्लम मैथ्स में होती है। यहाँ पर मैथ्स बहुत ही अच्छी पढ़ाई जाती है, यहाँ पर जो टीचर है वो इतने अच्छे से मैथ पढ़ाते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर करते चलते हैं। हमें जो डाउट होता है वो हम उन्हें आराम से बता सकते हैं, वो बहुत ही फ्रेंडली टीचर्स हैं और कभी भी हमें ऐसा नहीं लगता कि एक टीचर ऐसे स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, ऐसा लगता कि हम लोग ऐसे आपस में फ्रेंडली बैठ के पढ़ रहे हैं फ्रेंड सर्कल में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आए हुए थे अपना व्लॉग शूट करने के लिए, हमें इनवाइट किया गया था भैया ने, और यहाँ पे ये सब बच्चियाँ हैं जिन्होंने, जिनको हमने टिप्स दी हैं। तो बच्चियों से लेते हैं रिव्यू और बताइए आप लोग कैसा जवाब हमने दिया है, कैसा लगा आपको टिप्स वगैरह? जो भी आपने टिप्स दी हैं, हमारे जो बोर्ड्स 10th का बोर्ड आ रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे हमें टिप्स अगर अगर मिलते रहे तो हम लोग बहुत अच्छा अपने बोर्ड्स में कर सकते हैं। जो आपने टिप्स बताई वो पहले हमें नहीं पता थी, तो पहले का स्कोर जो हमारा होता है वो बहुत, मतलब बहुत लेवल हम लोगों का बहुत लो होता है, लेकिन अब आपने जो टिप्स बताई हैं हमें लगता है कि आपने जो टिप्स हमें बताई हैं वो बहुत यूज़फुल हैं और हम उसको यूज़ करके अपने जो मार्क्स हैं उन्हें हम लेवल अप कर सकते हैं और हम इन्हें यूज़ ज़रूर करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल। आपके द्वारा दी गई टिप्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हमारे पास कई डाउट थे कि हम SST कैसे करें, मैथ्स कैसे करें, साइंस कैसे करें। आपने जो भी टिप्स बताई हैं हम उन्हें फॉलो जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने 10th बोर्ड में अच्छा स्कोर करें। आपकी जो टिप्स थी हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है और हम UP बोर्ड से हैं इसलिए। जी, ये टिप्स बहुत अच्छी लगी है और ये मैंने पहली बार सुनी थी। थैंक यू, आप इसको पक्का एक्सपेरिमेंट करिएगा, आपका पेपर अच्छा जाएगा। थैंक यू आप सभी का हमारे इस वीडियो में आने के लिए, और ये जो वीडियो है ये आ जाएगा जल्दी से यूट्यूब पे, आप लोग भी देखिएगा और काफ़ी हमारा चैनल बढ़वाने में मदद करिएगा। तो ये हमारी सब बहनों थी जिन्होंने टिप्स, जिन्होंने रिव्यू दिया टिप्स हमारी कैसी लगी। तो ये वाला व्लॉग करते पे खत्म, जल्दी मिलेंगे आपसे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिएगा हमारे चैनल को। नमस्कार।